सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RYFF। सो गाइस, थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ रैंक मैच और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला हूँ। बेसिकली फ्री फायर का जो ट्रेंड है फिर से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है एंड फ्री फायर जो है अभी बहुत मतलब खेलना कम कर दिया है। तो मैं जैसे तुम लोग देख सकते हो टूर्नामेंट के बाद से मैंने अपना चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं छोड़ा। तो कोई नहीं गाइस, मैं यहाँ पे तुम लोग को आज दिखाने वाला हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड एंड मेरा मूड हुआ बस यही इसलिए खेल रहे क्योंकि वीडियो भी अपलोड करना है। तो उसी लिए मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला हूँ एंड मेरा कैरेक्टर स्किल रहेगा ये। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो। एंड अगर तुम लोग भी फ्री फायर टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट साल में मैं एक बहुत ही बढ़िया क्लैप स्क्वाड टूर्नामेंट या फिर मतलब बीआर टूर्नामेंट करने वाला हो तो तुम लोग चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। एंड जो जो बंदा मेरा टूर्नामेंट मतलब देखना चाहते हो कि भाई मैंने कौन सा टूर्नामेंट किया है वो मेरा चैनल पे लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो। रिसेंटली जो 5-6 लाइव स्ट्रीम है उसमें मैं अपना टूर्नामेंट का गेम पे रखा हूँ, मतलब जो प्लेयर खेल रहे थे टूर्नामेंट। तो ऑल राइट, तो यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ एंड मैं शायद से हूँ डायमंड 4 रैंक पे क्योंकि मैं भाई गेम वगैरह खेलता नहीं हूँ, अभी मूड हुआ बस खेलने का वीडियो बनाने का तो इसीलिए गेम को स्टार्ट कर दिया। ओ भाई सब चलो फॉरगॉट अरे मैप आ चुका है भाई, लग तो अच्छा है भाई, मेरे को ये वाला मैप ना भाई काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। ऑल राइट, तो मैं ये वाला गेम रश करके खेलने वाला हूँ एंड तुम लोग को पता ही है मैं कोई भी चीटिंग नहीं करता, मैं एक ही गेम खेलता हूँ, जो रिजल्ट आएगा मैं वही अपलोड करता हूँ। अगर मैं उतर के ही मर गया सोचो तो मैं वही अपलोड करूँगा, ठीक है ना। और मैं वीडियो पे ज़्यादा कोई कट वगैरह नहीं रखता, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा वीडियो को एंड थोड़ा सा कट करूँगा क्योंकि अगर वीडियो 15 मिनट का 20 मिनट का हो गया तो फिर भाई ऐसे ही तुम लोग नहीं देखने वाले मेरा वीडियो, स्किप कर जाओगे शायद से, अभी तक ही स्किप कर गए तुम लोग। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर पे उतर चुका हूँ एंड मेरे को बस ढूंढना है MP40। एंड मुझे पता है भाई जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मेरे को गन मिलेगा ही नहीं, मतलब जो गन मैं ढूंढता हूँ वो मेरे को मिलेगा ही नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पे पैराफिल एंड AUG मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे पैराफिल एक और है। ऑल राइट, तो ये वाला गन ले लेते हैं क्योंकि ये वाला गन शॉर्ट रेंज में भी अच्छा काम करता है। भाई मैंने कितना दिन से फ्री फायर नहीं खेला, बस वो टूर्नामेंट हुआ था आज से 1 महीना पहले, तब मतलब मैंने गेम बस देखा था ओपन करके, मैंने एक भी गेम नहीं खेला उसके बाद से। तो यह मेरा बोल सकते हो 2-3 महीने का बाद एक गेम प्ले है क्योंकि तुम लोग जानते होंगे मैं अभी ज़्यादातर GTA 5 या फिर हॉरर गेम PC गेम खेलता हूँ एंड फ्री फायर मेरे को PC में खेलना उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं फ्री फायर बोल सकते हो छोड़ ही दिया हूँ। और लाइक, तो भाई P90 चारों तरफ है भाई, MP40 नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं मेरे को पता है, जब मैं वीडियो करूँगा ना तब मेरे को गन नहीं मिलेगा जो मेरे को चाहिए होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे किसी का तो फुटस्टेप आ रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पे कोई शायद से हो सकता है यहाँ पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे लगता है कोई भी नहीं है, दूर पे एक बंदा है तो मैं उसको मारने वाला हूँ एक्सेमेट से। भाई यार MP40 मिलता ही नहीं है यार, क्या ही बताऊँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं बस इसी घर पे थोड़ा सा रोटे, ओके चलो यहाँ पे एक बंदा मिल चुका है भाई, रिकॉयल बंदे को पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ एंड मेरे को भी पता है बंदा बहुत ही ज़ोर से रश करेगा मेरे ऊपर, तो शायद से रश कर दे क्योंकि फुटस्टेप 2-3 बंदे का यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो बंदा यहाँ पे रश कर रहा है, बंदे को बहुत ही तगड़ा डैमेज लगा है एंड बंदा जो है यहाँ पे वॉल मार दिया है एंड नीचे से एक और बंदा शायद से आ रहा है लेकिन भाई मैं यहाँ से घुस नहीं सकता। ऑल राइट, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जंप कर देते हैं। ऑल राइट, तो बंदा अंदर ही छुपा हुआ है, बंदे को पता नहीं है एंड बंदे का काम हुआ तमाम। तो यहाँ पे हमारा पहला किल हो चुका है एंड इसका टीममेट भी एकदम सामने ही है, मेरे को बहुत फुटस्टेप आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर पे तो नहीं है शायद से, तो ओके, तो दूर पे लगता है एक और बंदा है। तो मेरा यहाँ पे MAC-10 जो है एक या दो लेवल का शायद से हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे फुटस्टेप भाई तगड़ा, काफ़ी तगड़ा आ रहा है लेकिन भाई मैंने बहुत दिन से गेम वगैरह नहीं खेला तो उसी थोड़ा सा खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि भाई मैं मर जाऊँगा, अगर बाहर निकलूँ तो भी मर जाऊँगा। तो कोई बात नहीं, कब तक अंदर रहे, तो हम लोग बाहर चलते सीधा एंड यहाँ पे कोई बंदा दिख तो नहीं रहा क्योंकि फुटस्टेप बहुत तगड़ा आ रहा था लेकिन अभी शायद से थोड़ा सा बंदा रिवाइव करने के लिए गया है शायद से, पता नहीं मेरे को। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ एंड पीछे की तरफ चल रहे फाइट तुम लोग देख सकते हो मैप पे एंड हम लोग अभी वही फाइट के अंदर एंटर करने वाले हैं एंड देखते हैं वहाँ से हम लोग कितना बंदे को निकाल पाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे सामने ही तगड़ा फाइटिंग चल रहा है भाई, वर्ल्ड वॉर चालू हो गया लगता है। अरे भाई रिकॉयल, इतना रिकॉयल एक्समेंट में तो नहीं होता भाई। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने किसी का किल चुरा लिया एंड सामने एक और बंदा है, पूरा बंदे का काम हुआ तमाम, भाई डाउन पड़ा था बंदा, मैंने किल चोरी कर लिया।
भाई पीछे से भी कोई मार रहा है, चलो भाई रिकॉइल क्यों हो रहा है भाई इतना गंदा सा। ओके पीछे भी बंदा है तो वहाँ से मेरे को बहुत तगड़ा डैमेज मिल सकता है एंड मैंने भी उसको थोड़ा बहुत अच्छा डैमेज दे दिया है। ऑल राइट तो यहाँ पे, अरे भाई बंदा यहाँ पे आ गया पता ही नहीं चला। चलो बंद का काम हुआ तमाम, भाई क्या तगड़ा हेड लगा भाई। ऑल राइट तो यहाँ पे बंद का काम हुआ तमाम एंड मेरा यहाँ पे हो चुका है 3 किल एंड मैं यहाँ पे डिसाइड करना कर रहा हूँ भागने का, क्योंकि भाई फेस टू फेस फाइट में मैं उतना बंदे के सामने मर जाऊंगा क्योंकि मैं अंकुश फ्री फायर या फिर विंसेंट जो रूवॉक नहीं हूँ, तो इसीलिए इतना फेस टू फेस फाइट नहीं कर पाऊंगा। एंड यहाँ पे बात करते करते एक और बंदे का काम हुआ तमाम एंड देख सकते हो तुम यहाँ पे हमारा 4 किल हो चुका है होलो वर्सेस स्क्वाड गेम पे एंड हम लोग अभी डायमंड 4 रैंक पे है। ऑल राइट तो यहाँ पे चलो थोड़ा सा मैं यहाँ से वीडियो को कट कर दूंगा, मतलब अगर जब तक बंदा नहीं मिलेगा तब तक तो तुम लोग देखते रहो, वरना तुम लोग बोरिंग हो जाओगे। एंड वीडियो पे नहीं हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दो अच्छा लग रहा है तो, एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो जब बंदा मिलेगा मैं तब तुम ओके चलो बंदा यहाँ पे मिल ही गया भाई। चलो यहाँ पे भाई बंदा का नेट चला गया क्या बंदे का? ले भाई बंदे का लगता है नेट वगैरह चला गया था एंड मैंने बंदे को पूरा मार दिया भाई। मैं तो सोच रहा था भाई वीडियो कट कर दो लेकिन शायद से यहाँ पे एक और बंदा है, पता नहीं मेरे को फुटस्टेप आ रहा था भाई। जब मैं इस बंदे को मार रहा था तब लेफ्ट साइड पे एक फायरिंग का साउंड आ रहा था, मतलब मैं जिस तरह अभी जा रहा हूँ तुम लोग समझ सकते हो। ऑल राइट तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड वीडियो को अभी थोड़ा सा कट कर देता हूँ जब तक बंदा नहीं मिला तब तक। ऑल राइट तो करीब 5 मिनट तक मैं दौड़ रहा हूँ एंड अभी मेरे को स्कैनर पे एक यहाँ पे बंदा दिखाई दे रहा है जो कि ड्रॉप लूट रहा है, तो उसको मैं शायद से मार पाऊँ। तो देखते यहाँ पे 2-3 बंदा वहाँ पे है देख सकते हो तुम लोग एंड मैं अगर फ्रंट टू फेस फाइट लूँ तो फिर मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2-2 बंदे को डैमेज देके मैं सोचा कि थोड़ा सा पीछे चला जाओ, क्योंकि भाई देखो अगर मैं 4 बंदे के बीच में अकेला घुस गया इस टाइम पे तो फिर मैं कतई जिंदा नहीं रहने वाला एंड ये कोई सोलो बैटल या फिर मेरे साथ कोई टीममेट भी नहीं है कि मैं मर जाऊँ तो रिवाइव कर दे मेरे को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और लाइट तो मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ से सीधा चलते, अरे भाई सामने बंदा है चलो देख लेते हैं बंदे को अच्छे से। भाई सामने एक बंदा तो नहीं है, फाइटिंग वगैरह चल रहा है एंड मैं स्कैनर के बाहर हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं स्कैनर के अंदर रहता तो फिर मैं ख़त्म हो जाता। ऑल राइट तो यहाँ पे 4 मतलब पूरा स्क्वाड ही है जो कि यहाँ से जा रहा है एंड मेरे को शायद से नहीं देखा इन लोगों ने, तो मैं सोच रहा हूँ भाई उन लोग को पहले जाने दो एंड उसके बाद मैं उसके पीछे से रश करने वाला हूँ उन लोग को। ऑल राइट तो यहाँ पे चलो भाई पीछे तो कोई भी बंदा है नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो बंदा शायद से सब लोग चला गया भाई। एक बंदा मेरा वेट कर रहा है क्या? चलो सब लोग चला गया वहाँ से एंड मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पूरा इंटरनेट कनेक्शन भाई मेरा पिंग तो बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट तो सारा बंदा यहाँ से चला गया है एंड मैं सोच रहा हूँ पूरा घूम के दूसरी तरफ चले जाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर उस तरफ में जाऊँ तो फिर वहाँ पे ही करीब 2 या 3 स्क्वाड वहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एंड मैं अकेला बीच में फंस जाऊँगा तो 3-4 स्क्वाड मिलके मेरे को मार देगा, तो मैं भाई ख़त्म हो जाऊँगा वहीं पर। तो यहाँ पे भाई सामने कोई भी बंदा नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधा चला जाता हूँ क्योंकि भाई पूरा रूट खाली है। एंड अभी तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि तुम लोग को कौन सा गेम देखना है, शायद से मैं नेक्स्ट वाला वीडियो GTA 5 का अपलोड करूँ एंड मैंने यहाँ पे फियर टू फैदम का एपिसोड 5 मतलब जो नया गेम आया है वो भी अपलोड किया है। ऑल राइट तो वहाँ पे गाड़ी जा रहा है तो वो वाला गाड़ी वाला शायद से पागल हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट तो मैं सोच रहा हूँ वो वाला गाड़ी वहाँ पे रुक गया है तो मैं इस गाड़ी वाले को मार देता हूँ सबसे पहले। ऑल राइट तो अरे भाई पीछे से कौन मार दिया भाई, ये कैसे हो सकता है भाई, मैंने तो पीछे अभी वहीं से होके आया भाई, बंदा तो कोई नहीं था वहाँ पे। अरे ले भाई कहाँ से निकल गया, कहाँ से मार दिया भाई पता ही नहीं चला भाई, हट यार। ऑल राइट तो जैसे कि तुम लोग को पता है मैं डायमंड 3 पे हूँ, चलो जैसे कि तुम लोग को पता है मैं कोई चीटिंग नहीं करता एंड मैं यहाँ पे मर गया भाई, कैसे मार दिया मेरे को पता भी नहीं है। और लाइक तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।